हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, पूरा वीडियो देखिएगा और एंड में बस कमेंट बॉक्स में बता कर जाइएगा कैसा लगा आप सभी को पूरा वीडियो। चलिए इंट्रो स्टार्ट करते हैं। Thank you.
आखिरकार बच्चों ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया और सच में मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इन बच्चों ने बहुत ही अच्छा वर्क किया। जो बच्चे कहते थे कि मैंने कभी ड्राइंग नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है, उन बच्चों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि इन बच्चों के पास नोटबुक नहीं थी, ना ही पेंसिल थी। इन बच्चों का कहना था कि सर, 8th तो हम कर रहे हैं, 9th में हम आने वाले हैं, इसके बाद तो 8th के बाद तो हमारा कोर्स में आर्ट है ही नहीं, तो हमें ड्राइंग करने का क्या फायदा। तो इन बच्चों के जो थॉट्स थे सुन करके, उनकी जवाब दे दे करके मैं खुद थक चुका था, लेकिन काफ़ी सालों की प्रैक्टिस थी और मुझे पता था कि हर बच्चे को कैसे डील करना है। इन बच्चों को समझाया और सारी चीज़ें, आर्ट होती क्या है, कैसे कैसे करके इसका निर्माण हुआ है, क्या चीज़ है हमारे जीवन में, इसका क्या लाभ है और किस तरीके से करके हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब कुछ समझाया। उसके बाद बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया और पेन से भी बनाया कई बच्चों ने, तो ये इसको, इन बच्चों को बनाने में मुश्किल से नहीं तो 30 मिनट्स का वक्त लगा, क्योंकि हमारे स्कूल में पीरियड 30 मिनट्स का होता है एक, और इन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। 30 मिनट के अंदर उन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया और मैं बहुत खुश हूँ। और ऐसे ही बच्चे मुझे मोटिवेट करते हैं आगे के जीवन के लिए, ताकि जिस दिन मैं दुनिया से जाऊं, अपने जैसे लाखों करोड़ों कर जाऊं। कला का अस्तित्व कोई छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। इसको जीना जीवन से भी ऊपर है। जीवन खत्म हो सकता है, लेकिन कला कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि कला अमर है। मैं चला जाऊंगा, हर कोई चला जाएगा, लेकिन कला रहेगी इस दुनिया में, उसकी पहचान बनकर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।